सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भर नमस्ते और छोटे को ढेर सारा प्यार। मेरा नाम किरण और मैं देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून शहर से हूँ। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे मिस्टर एंड मिसेस जोशी ब्लॉग्स में। आज हम जा रहे भदौरिया डे मनाने के लिए। दोस्तों हम पहुंच गए बसेड़ा फार्म में। यहाँ पे सारे कुमाऊं के सारे आर्मी के लोग आ रखे हैं, सब लेडीज़ें आ रखी हैं और जेंट्स भी आ रखे हैं। अपना पिछोड़ा पहन रखा हमने कुमाऊं ने। चलो आप लोगों को आगे आगे मैं दिखाती रहूँगी कार्यक्रम। सबसे पहले मैं भदौरिया के युद्ध में हुए शहीद हुए उन सूरवीरों को विनम्र श्रद्धांजलि देती हूँ। वो उनको तहे दिल से नमन करती हूँ और सभी वीर जवानों को आज भदौरिया दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं वो बधाई। आज मुझे पहली बार भदौरिया युद्ध सम्मान दिवस में सम्मानित होने का अवसर मिला है। देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। गुलाम बने इस देश को आजाद तुमने कराया है। सुरक्षित जीवन देकर तुमने कर्ज अपना चुकाया है। दिल से तुम्हें नमन करते हैं ये आजाद वतन जो दिखाया है। लड़े वो वीर जवानों की तरह, ठंडा खून फौलाद हुआ। मरते मरते भी मार गिराए, तभी तो देश आजाद हुआ। सैकड़ों परिंदे आसमान पर नजर आने लगे। शायद बलिदानियों ने दिखाई है राह उन आजादी से उड़ने की।
हाँ थोड़ा थोड़ा साइड में होता है। हेलो चलो भैया हो गया। भदूरिया डे क्यों मनाया जाता है? हमारे सैनिक हमें कुछ शब्दों में समझाएंगे। जिम्मेदार रोमी कैप्टन दीवान की साफ की ओर से मैं नायक प्रकाश सिंह बकेरा फार्म हाउस के प्रांगण में 72वें भदूरिया दिवस समारोह के उपलक्ष्य में 17वां रेजिमेंट के समस्त परिवारजनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे सेवारत एवं जो रिटायर्ड साथी हैं उन सबको तो पता है हम लोग यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं, पर जो हमारे परिवारजन हैं, जो हमारे साथी रहे हैं, जो अवगत नहीं है कि भदूरिया है क्या, ये क्या चीज़ है, हम रीजन क्या है, इतने बड़े में सब हम सब ने अपना संगठन दिखाया और हम यहाँ एकत्र हुए हैं, तो इसके बारे में संक्षिप्त रूप से बताऊँगा कि भदूरिया है क्या। भदूरिया वर्तमान में बांग्लादेश का हिस्सा है जो सन 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान का भाग था। साथियों जैसा कि आप लोगों को पता है 15 जनवरी 1968 को 17वां रेजिमेंट का गठन हुआ था और 3 साल के अंदर हमारी पलटन को 1971 के युद्ध में शामिल होने का अवसर मिला था। ये एक सौभाग्य की बात थी कि भारतीय सेना की सबसे यंग सबसे कम सर्विस जैन वाली पलटन को सीधे एक ऐसे वार में सम्मिलित होने का अवसर मिला जिसकी कल्पना आप इस तरीके से कर सकते हैं कि एक छोटे बच्चे को एक जवान आदमी का काम दे दिया गया है। पर एक गर्व की बात होती है जिसके लिए जो चीज जिसके लिए हम लोग भर्ती हुए होते हैं उस काम को करें। तो कहानी प्रारंभ होती है 9 दिसंबर 1971 से जब हमारी पलटन को भदूरिया रोड पर कब्जा करने के लिए आदेश प्राप्त हुआ। भदूरिया रोड पर पश्चिमी जो पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था उस टाइम पर एक ऐसी महत्वपूर्ण सामरिक जगह थी जिस पर कब्जा करके हम लोग भविष्य के युद्ध को बहुत आसान और अपनी विजय को संभव बना सकते थे। अगर जो हमारे यंगस्टर हैं इन्होंने स्वयं बहादुर देखी होगी तो शायद इसी का पार्ट है जो 16 दिसंबर को हम लोग जो पर्व मनाते हैं विजय दिवस मनाते हैं जिसमें लगभग 95,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हमारे जनरल जगजीत सिंह नरोड़ा जी के सामने सरेंडर किया था। ये उसी का इनिशियल पार्ट था। हमको मौका मिला हमारी बटालियन ने दिन के समय में भदूरिया रोड क्रॉस पर आक्रमण करने को आदेश प्राप्त किया। लड़ाई इतनी भीषण थी दिन का समय था दुश्मन की तादाद इतनी ज़्यादा थी जो लोग हैवी आर्म्स से लैस थे और हम लोग विदेश की धरती में जाकर अपना ऑपरेशन लॉन्च कर रहे थे। 9 दिसंबर से कहानी प्रारंभ होती है। रेक्टिकल आत्मा सिंह साहब को रेकी करने का आदेश प्राप्त होता है। रेकी में जाते हैं पर कहानी वही है दुश्मन की तादाद ज़्यादा है हैवी आर्म्स डिप्लॉय हैं तो हमारे सीओ साहब घायल हो जाते हैं। मतलब जो पलटन का सर्वोच्च अधिकारी घायल हो गया फिर भी ये कुमाऊं रेजिमेंट के रण बांकुरे हैं जिन्होंने अपना मोराल डाउन नहीं किया। लेफ्टिनेंट मेजर पीसी मनकोटे साहब को पलटन की कमान दी गई और ऑपरेशन को जारी रखने का निर्देश दिया। 10 दिसंबर को लगभग दोपहर के समय में आप लोग को ज्ञात होगा वर्तमान की लड़ाई रात की लड़ाई होती है पर हमारे रण बांकुरे ने दिन के समय में वो कारनामा करके दिखाया जो अच्छी अच्छी बटालियन रात में करती है। चारों राइफल कंपनियों ने अदम्य साहस का परिचय दिया और अपने ऑब्जेक्ट को प्राप्त किया तथा भविष्य में जो 16 दिसंबर को हम कला विजय दिवस की नींव विजय दिवस मनाते हैं उसकी नींव रखी। इस अदम्य साहस के लिए हमारी बटालियन के 2 अधिकारी 3 सरदार साहबान
और 50 जवानों ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया एवं 3 अधिकारी 2 सरदार साहिबान और 67 जवान घायल हुए। अब दुश्मन का हमने क्या बिगाड़ा, दुश्मन के 2 अधिकारी 80 जवान मारे गए। 11 दिसंबर को दुश्मन ने काउंटर अटैक किया दोबारा उस लोकेशन को कैप्चर करने के लिए, पर हमारे जवानों ने सफलता किया। इस अदम्य साहस के लिए हमारे कैप्टन को भारत सरकार द्वारा युद्ध सम्मान भदौरिया से नवाजा गया, जो कि एक बहुत ही गर्व की बात है कि एक यंगस्ट बटालियन, एक इंडियन आर्मी की सबसे बच्चे को इतना बड़ा युद्ध सम्मान मिला। हमारी भदौरिया की लड़ाई में जो उस टाइम के आर्मी कमांडर थे, जीओसीसी ईस्टर्न कमांड थे, लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, उन्होंने बोला था ये ऐसी खूनी लड़ाई थी। भदौरिया की लड़ाई एक विश्व खूनी युद्ध करार दिया। इस युद्ध में जीतने के सम्मान में सफल हुआ भदौरिया के सम्मान से सम्मानित किया गया था। इसी के साथ साथ आप लोगों को मैंने एक संक्षिप्त परिचय दिया भदौरिया का और यहाँ एकत्रित होने का। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती रेणुका बछेड़ा जी का हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए। कृपया सब लोग अपने स्थान, सब लोग अब खड़े होके सब लोग कुमाऊनी गीत गाएंगे अपना। Thank you.
धन्यवाद। यहाँ पे अब तंबोला गेम हो रहा है, तो यहाँ पे अब स्पीच देंगे, समझाएंगे वो लोग कैसे गेम खेलते हैं करके। तो यहाँ पे टिकट मिलेगा तंबोले गेम का। हमने जो हमारा प्राइज है फेक प्राइज तो मैंने भी सुबह यहाँ खेल गए फुल्ला सनी चाहिए गेम अपन सनी चलिए। तो यहाँ पे तंबोला गेम स्टार्ट हो गया है। ढूंढते निकला नंबर आया 1550 15। नेक्स्ट नंबर 75 75 75। अगला नंबर 81 81 81। फिर आया फिर ढूंढा फिर निकाला नंबर देखा 85 85 85। जिसका फर्स्ट में होगा उसने सबसे पहले यस बोलना है, जो पिछड़ी जाएगा उसका फिर मान्य हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर खूब ढूंढ के निकाला नंबर निकला 16 16 16। नेक्स्ट नंबर ढूंढ के निकाला नंबर निकला 46 46 46। खूब हिलाया हिला के निकाला नंबर निकला 41 41 41। फिर ढूंढा फिर निकाला नंबर निकला सिंगल नंबर 4 4। फिर ढूंढा फिर निकाला नंबर निकला 24 24 24। अरे पापा का निकल गया। इसके लिए पापा का निकल गया सब फर्स्ट नंबर पे पापा का ये निकल गया। हम लोग मिला रहे हैं 150 रुपीस पापा ने जीत लिए। पापा बोल रहे थे पहले मुझे खेलने के लिए, मुझे तो समझ आता है फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे, तो पापा का फर्स्ट नंबर आ गया। नेक्स्ट पॉइंट वो मिला के निकाला नंबर आया 62 62 62। नेक्स्ट पॉइंट वो मिलाया हिला के निकाला नंबर आया नेक्स्ट नंबर नंबर आया 43 43 43। नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट नंबर नंबर आया 48 48 48। नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट नंबर नंबर आया 65 65 65। नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट नंबर नंबर है 72 72 72। आप नंबर क्या था? 72 72 72। तो यहाँ पे स्टार वाले भी जीत गया एक अंकल। वाटर मैन के लिए एक बार अपने नंबर को कैरी कर लीजिए। देखिए अपने अपने किस्मत बन गई है दूसरे भाई बन गया था आगे बन जाएंगे पूरा खर्चा निकाल दिया। अब मेरी कैरी के लिए आगे जल्दी से देखिए आप अपने आप लोग अपने नंबर भी कैरी कर लीजिए। लास्ट वाला 58 58। Thank you.
जो राय नहीं रही उसके लिए कोई नहीं आएगा। दो दिन में टॉप लाइन जीती है। अगली बार गलत करोगे टिकट से नौ लगे जाएगा, बिल्कुल नौ लगेगी। ओके हाँ जानो करो 71, 71, 71, 71। नेक्स्ट कॉइन, नेक्स्ट नंबर, नंबर नंबर 66। का फोटो शूट वगैरह हो रहा। तू पहाड़ी पर तू माँ यहाँ पे वीडियो शूट पूरा औरतों का जोर शोरों से हो रहा। डांस शूट हो रहा है इन लोगों का। वीडियो बन रही, ब्लॉग बन रहा तुम्हारा। तो हमारा लंच वगैरह हो गया, अभी यहाँ पे डांस वगैरह हो रहा है। चलो आप लोगों को थोड़ा बहुत डांस वगैरह दिखा देती हूँ मैं। डांस वगैरह होने के बाद अब यहाँ पे कुर्सी दौड़ोगी यहाँ पे। भाई लो, ओ खोले दे माता कुल भवानी दा।
बेटे पाखानी क्या समारोह के समापन के उपलक्ष्य में कुछ शब्द कहें, हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी को मेरा राम राम, नमस्कार। भाइयों बहनों, जो उत्साह आप लोगों ने आज दिखाया, उत्साह को हमेशा बरकरार रखना, आगे इसी प्रकार उन्नति करते रहना, अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करते रहना, ये मेरी भावना है। आपके साथ जो भी भाईवान लोग हैं हमारे, बहुत बढ़िया, जो भी मेरी टीम थी, मैं लक्ष्मी दास, मेरा गिद्धर, मेरे खास धन साहब, जय हिंद। राम साहब, एक आगे दो साहिबान सामान लाए हुए हैं, जिनका पैसा रेटिंग करना है, सामान भी प्रोट करने हैं साहिबान लोग। ओके, थैंक यू, राम राम। तो दोस्तों, आज का प्रोग्राम यहीं पे समाप्त होता है, अब हम घर को जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अपने दोस्त के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। मैं किरण देवभूमि उत्तराखंड से मिलती हूँ जल्दी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।